हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण डिपोल मूवमेंट। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 5 से ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब किसी अणु में दो विभिन्न तत्व के परमाणु रहते हैं, आपको पता है कि जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किन से मिलकर बने होते हैं, एटम्स से मिलकर बने होते हैं। तो जो एक मॉलिक्यूल है उसमें दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परमाणु प्रेजेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन तथा क्लोरीन। अब यहाँ पर आप फिगर मैं आपको एग्जांपल इसमें दिखा सकती हूँ। जैसे एक मॉलिक्यूल है, इसमें टू क्या है, दो विभिन्न तत्वों के परमाणु प्रेजेंट है। तो हमने H प्लस और Cl मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लिया है। बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक परमाणु की अपेक्षा दूसरे की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, जैसे HCl नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन की ओर आकर्षित होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे हाइड्रोजन तथा क्लोरीन, तो बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक परमाणु की अपेक्षा एक दूसरे की ओर आकर्षित रहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित रहते हैं। बट HCl नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन की ओर अधिक आकर्षित होता है। मतलब ये आप देख रहे हैं एरो, ये किसकी तरफ अधिक आकर्षित हो रहा है, क्लोरीन की तरफ अधिक आकर्षित हो रहा है। कुछ ऋणात्मक आवेश तथा हाइड्रोजन पर समान धनात्मक आवेश आ जाता है, जो इसकी तरफ ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। मतलब इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है तो ये हेड और ये टेल। तो अब देखिए, यहाँ पर एच है वो पॉजिटिव हो गया और सी एल है वो निगेटिव, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक, ये हुआ इसका प्रोसेस। अब देखिए, अतः HCl के अणु को एक मॉलिक्यूल डिपोल H प्लस Cl माइनस के रूप में दर्शा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था समझाने के लिए। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में फ्रेंड्स देखिए, एक ध्रुवीय अणु धनात्मक या ऋणात्मक केंद्र पर विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन E उनके मध्य दूरी d का गुणनफल डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। जैसे अब इनके दूरी का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, डाइपोल मूवमेंट कहलाएगा। तो u म्यू बराबर e इंटू डी, मतलब दोनों जो एटम्स थे H प्लस सी एल, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। यदि एक इकाई धन आवेश एक इलेक्ट्रॉन में वन एंगस्ट्रॉन्ग दूरी, कितनी दूरी, वन एंगस्ट्रॉन्ग दूरी पर स्थित हो तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात, मतलब देखना है आपको। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, म्यू बराबर 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 10 की पावर माइनस 8। यहाँ पर हम मान रखेंगे ई इंटू डी के मान, जो कि हमें पहले से ही पता होते हैं, याद करने होते हैं। 4 इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ई एस यू सी एम, ये एक इकाई है ई एस यू सी एम, ठीक है। अब 4.8 डिवाई, मतलब 1 डिवाई मतलब कितना होता है, 1 डिवाई बराबर 8 की पावर 10 की पावर 8 ई एस यू। तो आपको पता करना होगा 4.8 डिवाई मतलब कितना होता है, एक डिवाई मतलब आपको बता दिया गया है, हालांकि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो ये था द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम बात करेंगे ध्रुवणता, पोलराइजेशन। माना विपरीत आवेश वाली एक ही धातु की बनी दो प्लेटें हैं जो एक दूसरों को समांतर, और अब कोई अणु को इन दोनों प्लेटों के बीच रखा जाता है तो तुरंत ही विद्युत क्षेत्र उस नाभिक का कार्य करता है जिसमें ऋणात्मक नाभिक ऋणात्मक प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। तो अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपने फिगर आपको रफ है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दो प्लेटें ली हमने जो एक ही धातु की बनी हुई हैं, एक क्या है पॉजिटिव या निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है कि तुरंत ही विद्युत क्षेत्र उस नाभिक पर कार्य करता है जिससे धनात्मक नाभिक ऋणात्मक प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है। माइनस प्लस मतलब कौन किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, जिसकी ओर आकर्षित होगा उसी की तरफ वर्क करेगा ये, जिसके कारण अणु कुछ विकृत
मतलब जो अणु होंगे वो कुछ विकृत हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल की भांति व्यवहार करने लगेंगे। फिर ये इनका बिहेवियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डाइपोल की तरह होगा, जैसे उसमें भी टेल और हेड था कि मतलब जिसकी तरफ आकर्षित हो रहा है उसकी तरफ हेड होता है, तो यही इसका है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये जिसकी तरफ आकर्षित होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल की तरह व्यवहार करने लगेंगे। इसके एक सिरे पर धनावेश और दूसरे सिरे पर ऋण आवेश है, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर धन और यहाँ पर ऋण, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ऋण आवेश और दूसरे सिरे पर ऋण आवेश विद्युतीय केंद्र एक दूसरे के संक्षेप विस्थापित हो जाते हैं। अब ये केंद्र है ये एक दूसरे के संक्षेप में विस्थापित हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। अणु को विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या है, अणु को विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस प्रकार विकृत होना या इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने की घटना अणु की पोलराइजेशन कहलाती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ध्रुवणता जो है वो है क्या, पोलराइजेशन है क्या, अणु के विद्युत क्षेत्र में रखने पर, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है वहाँ पर अगर हम अणु यानी मॉलिक्यूल्स को रखते हैं तो विकृत हो जाए या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की भांति व्यवहार करने लगे, तो वो घटना क्या कहलाएगी, पोलराइजेशन कहलाएगी, और अणु पोलराइजेशन मॉलिक्यूल कहलाएगा, और जो अणु है वो पोलराइजेशन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसीलिए ध्रुवणता और द्विध्रुव आघूर्ण को मैं एक साथ लेकर आई थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों ही एक दूसरे के जैसे व्यवहार करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।